नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक फिर से नए वीडियो में। दोस्तों, आप सभी ने तो फ़ोन पे यूपीआई लाइट के बारे में सुना ही होगा। फ़ोन पे यूपीआई लाइट एक सिंप्लीफाइड वर्जन है फ़ोन पे वॉलेट का, जो कम डाटा यूजेस और लो एंड स्मार्टफोन के लिए ऑप्टिमाइज किया गया है। इसे आप अपने बेसिक बैंकिंग नीड्स को पूरा कर सकते हैं बिना ज़्यादा इंटरनेट डाटा इस्तेमाल किए। यूपीआई लाइट में आप यूपीआई बेस्ड ट्रांजेक्शन जैसे कि पैसे ट्रांसफ़र, क्यूआर कोड स्कैनिंग, बिल पेमेंट, रिचार्ज और बहुत कुछ कर सकते हैं, वो भी अपने स्मार्टफोन के बेसिक फीचर और कम इंटरनेट डाटा यूजेस के साथ। अगर आपके पास कम स्टोरेज स्पेस वाला फ़ोन है तो आपको यूपीआई लाइट आपके लिए उपयोगी हो सकता है। इसका इंस्टॉलेशन साइज छोटा होता है, जिससे आपको फ़ोन में कम स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी। यूपीआई लाइट आपको सेमलेस और सिक्योर ट्रांजेक्शन प्रोवाइड करती है। फ़ोन पे एक ट्रस्ट और पॉपुलर यूपीआई प्लेटफॉर्म है, जिसके थ्रू आप अपने ट्रांजेक्शन को आसानी से मैनेज कर सकते हैं। हिंदी भाषा का सपोर्ट यूपीआई लाइट में उपलब्ध है। अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल है तो आप यूपीआई लाइट का इस्तेमाल करके आप अपने ट्रांजेक्शन को हिंदी में कैरी आउट कर सकते हैं। इस प्रकार फ़ोन पे यूपीआई लाइट आपको कम डाटा यूजर, सिंप्लीफाइड यूजर इंटरफेस और बेसिक स्मार्टफोन फीचर्स के साथ यूपीआई ट्रांजेक्शन करने की सुविधा प्रदान करती है। तो चलिए, फ़ोन पे यूपीआई लाइट को एक्टिव कैसे किया जाता है और उससे मनी ट्रांसफ़र कैसे किया जाता है, इसी के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो आपको फ़ोन पे एप्लीकेशन में लॉगिन होना होगा। उसके बाद यहाँ चेक बैलेंस इसके ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका जो भी बैंक यहाँ ऐड किया हुआ है वो सारा बैंक यहाँ शो करेगा। उसके नीचे आप यहाँ देख सकते हैं प्रीपेड बैलेंस में यहाँ यूपीआई लाइट का ऑप्शन आपको शो कर रहा है। चलिए हम इसके ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इसका यहाँ पे आप फ़ायदा देख सकते हैं। सुपर फास्ट पेमेंट नियर जीरो फेलियर के साथ, मतलब फेल होने का चांस कम है, और एक्सेप्टेड एनीवेयर लाइक यूपीआई। आप कोई सा भी यूपीआई में पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जस्ट एक क्लिक से आप पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आपको अपना यूपीआई पिन डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सोच रहे होंगे कि यूपीआई पिन डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो ये सिक्योर कैसे है? ये सिक्योर है, ये 100% सिक्योर है। आप दिन में इसमें 4000 तक पैसे ऐड कर सकते हैं और डेली विड्रॉ आप 2000 तक ही कर सकते हैं, या किसी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं 2000 तक। इससे ज़्यादा आप कैश ट्रांसफ़र इसमें नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे बैलेंस ऐड करना होगा। जैसे कि मेरा यहाँ 10 रुपये मैंने यहाँ पे इंटर कर दिया है, और उसके बाद हम यहाँ ऐड मनी के ऊपर क्लिक करेंगे, और जो भी बैंक से आप अपने 10 रुपया कटा के उस यूपीआई लाइट में ऐड करना चाहते हैं वो बैंक को सेलेक्ट कर लेंगे और ऐड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप अपने यूपीआई पिन डाल के ओके के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका ट्रांजेक्शन यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाएगा। आपका फ़ोन पे यूपीआई लाइट में 10 रुपये ऐड सक्सेसफुली हो जाएंगे। चलिए हम यहाँ इसको डन के ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं, और मेरा यहाँ पे देख सकते हैं लो बैलेंस अभी भी है, मेरा यहाँ पे 10 रुपये है। तो इस तरह से आप ऐड कर सकते हैं। आप अगर चाहें तो इसमें और भी पेमेंट को ऐड कर सकते हैं। अब बात आती है कि इसको ट्रांसफ़र कैसे किया जाता है। जैसे पहले आप यूपीआई आईडी या मोबाइल नंबर के थ्रू पैसे दूसरे को ट्रांसफ़र कर रहे थे, उसी प्रकार आप ट्रांसफ़र करेंगे। चलिए मैं एक यूपीआई आईडी चूज़ कर लेता हूँ। जैसे कि मैंने ये पर्सन को ले लिया है, इसको अगर मुझे पैसे ट्रांसफ़र करने होंगे 7 रुपये, तो चलिए मैं यहाँ पहले 7 रुपये एंटर करूँगा। उसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ पहला ही ऑप्शन में आपको यूपीआई लाइट का ऑप्शन मिल जाएगा। आप चाहे तो इसको एडिट करके अपना बैंक भी सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो ये ऑटोमेटिक यूपीआई लाइट सेलेक्ट किया हुआ रहता है। चलिए हम कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और पे के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो मेरा यहाँ पर ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो जाएगा। यहाँ हमको यूपीआई पिन डालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। जैसे कि देखिए, मैंने यहाँ पर 7 रुपये ट्रांसफ़र सक्सेसफुली कर दिया है, तो मुझे यहाँ पे यूपीआई पिन डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। अब मुझे फ़ोन पे यूपीआई लाइट में बैलेंस चेक करना होगा, तो उसके लिए हम चेक बैलेंस के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ यूपीआई लाइट इसको चूज़ करेंगे। तो देखिए, मैंने अभी 10 रुपये ऐड किए, उसमें से मैंने 7 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए, तो मेरे यहाँ पे 3 रुपये बचे हुए हैं। सो इस तरह से आप अपने फ़ोन पे यूपीआई लाइट में पैसे को ऐड करके एक छोटा मोटा ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। जैसे कि आप अगर कहीं गोलगप्पे खाते हैं, किसी का टैक्सी का भाड़ा देना है, ऑटो का किराया देना है, तो आप यहीं से कर सकते हैं। आपको अपने बैंक खाते से कटाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ आपको रिस्क भी होता है, तो हो सकता है कि आपका पेमेंट वहाँ पर लिंक की वजह से या सर्वर की वजह से फेल हो जाए, तो वहाँ आपका पेमेंट दोनों तरफ कहीं भी जा सकता है। हो सकता है कि आप जिसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं उधर भी जा सकता है,
या हो सकता है कि आपके पास ही वापस आ सकता है, तो इसीलिए आपको UPI लाइट का ही इस्तेमाल करना चाहिए। आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और इस तरह का इम्पोर्टेंट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।